हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा था, मैंने ये हैंगिंग लाइट्स आपको बताई थी, दिखाई थी और आपके साथ शेयर की थी, और मैंने बोला था कि मैं इसका DIY आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये है ये वीडियो, और आप बताइए। और ये जो लैम्प्स है, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पैसों में बन जाती है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको रात में इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और ये मैंने ऊन से बनाई है, और आप भी इनको इसी तरीके से बना सकते हैं और अपने बालकनी में, अपने रूम में, या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको इसी तरीके से हैंग करके अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चाहिए होगा वो डिफरेंट कलर की ऊन चाहिए, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, एक सीजर चाहिए कट करने के लिए, फेविकॉल चाहिए, ये मैंने 1 किलो का लिया है, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, और वाइट सीमेंट चाहिए। आपने बहुत सारे इस तरीके के देखे होंगे, बट वाइट सीमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्या वो मैं आगे बताऊँगी। पानी चाहिए और एक ऐसा बेकार बर्तन जो आप उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा लेना है, क्योंकि थोड़ा गंदा हो सकता है, और उस वो बर्तन में आपको ऐड करना है वाइट सीमेंट। आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिए, एकदम से सारा फेविकॉल और वो सब ना ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून फेविकॉल लिया है, और इसमें धीरे धीरे करके मैं पानी ऐड करूँगी और आपको आगे दिखाऊँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए। और आपको बहुत ही धीरे धीरे इसको करना है, नहीं तो उसके अंदर लम्ब्स पड़ने लगेंगे। और बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हल्का सा लिक्विड होना चाहिए। देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए जैसा मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है फेविकॉल। आपको बहुत ज़्यादा फेविकॉल ऐड नहीं करना है, बट थोड़ा स्टिकीनेस बनाने के लिए आपको उसमें फेविकॉल ऐड करना है। फेविकॉल ऐड कर दिया है, और अब यहाँ पर मैं, आपने देखा कि मैंने इसको अच्छे से चलाऊँगी, बहुत अच्छे से चलाऊँगी स्पून से ही। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की स्पून ली है, ताकि वो ख़राब हो जाएगी तो मैं उसे फेंक दूंगी, ज़्यादा धोने वोने का झंझट नहीं रहेगा। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग अब चेक कर लेंगे कि इस, जब भी आपको लगेगा कि ये थोड़ा लिक्विडी या थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो आप पानी बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, बट शुरू में ज़्यादा पानी मत ऐड करिए, क्योंकि स्कोप नहीं बचता फिर ऐड करने का। उसके बाद आपको ऊन का एक ये ऐसा इस तरह से टिप लेना है, जो लास्ट कॉर्नर होता है, और आपको धीरे धीरे करके सारी उनको नहीं करना है, नहीं तो उसके अंदर गांठें पड़ने लगेंगी। और आपको इसी तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा फैला फैला के उसमें डालना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये जब आप फर्स्ट बनाएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा गंदगी भी होती ही है, क्योंकि कितना भी आप बच लो, इसलिए मैं पहले ही बताती हूँ कि इसके अंदर आपको नीचे इसके न्यूज़पेपर या कोई भी खराब पन्नी है वो आप बिछा सकते हैं। और धीरे धीरे करके इस तरह से उसको चम्मच की हेल्प से डिप करना है। और डिप करने के बाद यहाँ पे आप कलर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ऐड किया। अब कलर क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपने वाइट सीमेंट यूज़ किया है, तो वाइट सीमेंट से वाइटनेस ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ शुरू में ऊन तो ली थी, ताकि मुझे ज़्यादा कलर ऐड ना करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे पर्पलिश देखेंगे, मैंने डार्क ब्लू किया था, बट ये डार्क, ये पर्पलिश हो गया है। और इस तरह से जो हमारा लास्ट कॉर्नर था वो आपको निकालना है, और उसके बाद एक बलून लेना है नॉर्मल साइज़ का, या जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहें, बट आप नॉर्मल साइज़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे बलून लेने के बाद जो नीचे जहाँ पे आप बल्ब लगाने के लिए जो आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे, उसका आपको एक टेंटेटिव मार्क देना है। हालांकि मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगी कि ये मार्क थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे आपको सेट करना होता है। और ऊपर जहाँ पर आपका होल्डर आएगा, वहाँ पर भी आपको बस एक टेंटेटिव सा सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद एक कॉर्नर लेना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर से जहाँ पर उसका बलून का माउथ होता है, वहाँ पर आपको एक बार उसको रोल करना है, सो दैट कि वो वहाँ से निकले ना। और यहाँ पे मैंने 2 बार रोल करने के बाद अब आपको नीचे से ऊपर और फिर एक बार रोल करना है, और फिर से आपको इसी तरीके से उसको करना है। और आप देखेंगे कि मैंने नीचे एक ड्रॉ किया था, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सिर्फ मैंने अपने आइडिया के लिए ड्रॉ किया था, वो लास्ट में मैं बताऊँगी। और इसी तरीके से आपको एक नॉट बांधते जाना है, और
पहले आपको ओपन ओपन नेट बनाना है और उसके बाद ओपन नेट बनाने से उसका पूरा सपोर्ट आ जाएगा। आपको नेट बनाना है पूरा क्रिस क्रॉस, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट ऊपर आपको इस तरह से इसको बलून को पकड़े रहना है। थोड़े से हाथ भी गंदे होते हैं, आप चाहे तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उसको बाद में अच्छे से वॉश कर दूंगी तो ये हो जाएगा वॉश, और ग्लव्स पहनना मुझे थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने जस्ट अपने नॉर्मल हाथों से, थोड़े से हाथ गंदे होंगे, थोड़ा सा स्पेस भी गंदा होगा जहाँ पे आप बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट इसका जब आपने देखा कि जब ये बनता है तो बहुत ही सुंदर बनता है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, सिर्फ 25 रुपये का एक आपको ऊन का ये आपको पड़ता है, और फेविकॉल तो समटाइम आपके घर पे पड़ा भी रहता है, वाइट सीमेंट का भी आपको लाइक 35 से 40 रुपीस तक का पड़ जाता है। उसके बाद आपको फिर जैसा मैंने बोला था कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही उसको डिप डिप करके ही और ऐसे खोल खोल के ही उसको डालना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही उसको लपेटना है, क्योंकि अगर आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा ऊन को उसमें डिप कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ नहीं खुलेगी और आपकी ऊन सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पूरा इसमें नेट बनता जा रहा है, और हमें इसी तरीके से इसमें नेट बनाना है पूरा अच्छे से, और आप देखेंगे। और ध्यान रखें कि आपका कुछ भी ऐसा लाइक शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बलून फट भी सकता है और आपके सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे और आपकी ये जो ऊन का जो मिक्सचर बना है वो भी वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बस धीरे धीरे करके, और सच बताऊँ तो मुझे इसमें टोटल 20 मिनट्स लगे थे, और ये देखिए ये पूरा मेरा बन गया है, और लास्ट में मैंने ओपन कॉर्नर रखा था, और अब इसको मैं हाथ से इस तरीके से धीरे धीरे सेट कर दूंगी। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि कहीं पे ज़्यादा नेट का ओपन स्पेस है तो आप हाथ से धीरे धीरे उसको सेट कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, ताकि वो थोड़ा स्टिफ हो जाए। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे हाथ से उसको सेट कर दूंगी जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि ओपन कॉर्नर मेरा बाकी है, तो मैं वहाँ पे हाथों से इसी तरह से, और यहाँ पर जो मैंने सर्कल मार्क किया था आप देखेंगे कि ये भी मैंने हाथों से अच्छे से सेट कर लिया है, और इतना स्पेस काफ़ी है कि आप बल्ब को आराम से अपने हाथ को डालकर उसमें लगा सकते हैं। और ये है हमारा ओपन ऊपर का स्पेस, हम चाहें तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें ऊपर बल्ब ही फंसाना है, तो नीचे से आप होल्डर और ऊपर से सिर्फ एक वायर की जगह होनी चाहिए। और ये देखेंगे कि ये मेरा पूरा गंदा हो चुका है, अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट कलर के लिए, तो वही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था सीमेंट और पानी और फेविकॉल, और यहाँ पर अब मैं रेड वाला लूँगी, और रेड वाला भी बन के ऐसे पूरा मेरा तैयार है, और ये पूरा सूख चुका है। और अब सूखने के बाद इसको लाइक मैंने पूरा एक रात छोड़ा था, और ये धीरे धीरे करके आपको जो बलून है वो इसमें से इसी तरह से निकालना है, लाइक फिंगर से। ये पूरा स्टिफ बन गया था, और पता है मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने इसमें वाइट सीमेंट नहीं डाला, तो वो बिल्कुल भी थोड़े टाइम के बाद ही वो बेंड हो गया था, और इसकी जो स्टिफनेस इतनी अच्छी है कि आप इसको नेक्स्ट मतलब काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और ये जो जितना भी आपको वाइटनेस इसमें जो दिख रहा है वो आपको धीरे धीरे करके रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने तीन कलर के बनाए थे, और ये है मेरा ब्लू कलर, और यहाँ पे मैंने इस तरीके के होल्डर लगाए हैं, सभी के घर पे ये वाले होल्डर्स होते ही हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने तीन बनाया, तो मैंने कुछ इस तरीके का कनेक्शन दिया है कि मेरे तीन जो हैं वो तीन होल्डर हो जाएंगे और तीन एक ही के साथ हैंग हो जाएंगे। तो ये मैंने जस्ट घर पे ही बना लिया था, और इस तरीके के होल्डर्स जो हैं वो मार्केट में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं, बहुत ही लाइक 5 to 10 रुपीज़ के। और बस धीरे धीरे कर आपको इसको निकालना है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है अगर आप इसको रात में आप जलाते हैं, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल बल्ब भी लगाए हैं जो हमारे घर में होते हैं, आप इसमें कोई भी कलरफुल बल्ब भी लगा सकते हैं, बट अगर आप इसमें नॉर्मल बल्ब लगाते हैं तो उसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और उसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा DIY लैम्प। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। और जो नीचे छोटू सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, सो दैट कि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।